हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो सस्पेंडेड लोड के बारे में है कि सस्पेंडेड लोड को जब हम मिस करेंगे और सस्पेंडेड लोड को हम एक छोटा जैसा काम समझेंगे, सस्पेंडेड लोड को अगर हम एक छोटी सी गलती समझेंगे, अगर एक सस्पेंडेड लोड को अगर हम कोई इजीली समझेंगे तो वो क्या हो सकता है, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी वीडियो को मैं शेयर किया हूं आप लोगों के सामने, जैसा ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सस्पेंडेड लोड पे आने के लिए जब वो बंदा वो आया, आने के बाद उसका किस तरीके से उसका जान काफ़ी ज़्यादा बच गया, बाल बाल बचा। ये एक नियर मिस है, मीन्स ये इंसिडेंट नहीं है ना, ये एक्सीडेंट है, ये एक नियर मिस है। अगर ये एक बड़े हादसे में होता तो उसका शायद जान भी नहीं बचता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमें किस तरीके से सेफ्टी इसके अंदर करना चाहिए, सस्पेंडेड लोड। पहला फर्स्ट, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं एक टॉपिक के जैसा हर चीज़ को मैं बोला हूँ कि सस्पेंडेड लोड आपको कभी भी ध्यान देना है। तो आज मैं इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है, एक छोटा सा वीडियो लेकिन आपको एक परफेक्ट मैसेज देगा कि हमको सस्पेंडेड लोड को कितना ध्यान देना चाहिए, कितना हमें सस्पेंडेड लोड को केयर करना चाहिए कि लोगों का सेफ्टी भी हो सके और हमारा खुद का सेफ्टी भी हो सके। जैसे हम बैरिकेशन लगाते हैं, बैरिकेशन से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जो इसमें सस्पेंडेड लोड में दूसरे लोग नहीं आ सकते, लेकिन उस बैरिकेशन के अंदर हम होते हैं, कभी हम भी गलती कर देते हैं कि सस्पेंडेड लोड में आ जाते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जब हम बैरिकेशन यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन हम खुद उसके अंदर सस्पेंडेड लोड में आ जाते हैं, तो हमें इस तरीके से गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वीडियो में तो एक छोटा सा देख रहे, एक नियर मिस हो गया, एक बहुत बड़ा नियर मिस हो गया। तो आपको इस तरीके से कभी भी गलती नहीं करना है, कोई भी लोड के नीचे आपको नहीं जाना है। कभी भी सस्पेंडेड लोड से बचने के लिए हमें तीन चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, पहला बैरिकेशन, दूसरा टैगलाइन का यूज़, तीसरा आप पूरा केयर करें कि मटेरियल कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। ये तीन चीज़ों का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें तो आप सस्पेंडेड लोड से बच सकते हैं। उसके बाद जो छोटा सा एक वर्ड और है, आप अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, क्योंकि मैं रीगर हूँ और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बैरिकेशन करूँ, उस बैरिकेशन के अंदर दूसरे लोग भी ना आए, ना हम खुद जाए, क्योंकि उसमें अगर हम खुद जाएंगे, क्योंकि हमें तो वहाँ पर जाना होता है, लेकिन हमें सावधानी से जाना होता है क्योंकि हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम कभी भी सस्पेंडेड लोड को कभी भी हम ना बनाए, ना हम करें, ना हम किसी को जाने दें। तो मेरा मतलब यही है कि आप भी सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखें। तो इस वीडियो में आपने एक छोटा सा मैसेज समझा, या आप एक नॉलेज समझ के रखिए, एक छोटा जैसा मैसेज समझ के रखिए, क्योंकि सस्पेंडेड लोड से बताया जाता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होने का यही चांस है, सस्पेंडेड लोड के अंदर सबसे ज़्यादा हादसा हो चुका है, इंसिडेंट हो चुका है। तो आपको हर चीज़ में सेफ्टी रखना चाहिए, हर चीज़ में आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड हमें क्या फॉलो करना है। अभी ये वीडियो बनाने के बाद काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे, सर हमें स्टैंडर्ड नहीं पता है। स्टैंडर्ड कुछ इसमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको 3 स्टेप बोला, पहला बैरिकेशन, फिर उसके बाद टैगलाइन का यूज़, उसके बाद आपको उससे कैसे बचना है, उसमें क्या हादसा होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके पास हादसा होते होते बच गया, इस तरीके से आपके माइंड में जब रिमाइंड होगा हमेशा, तो आप इन हादसों से बच सकते हैं। तो कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले सोचें
कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा क्या काम है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा सेफ्टी क्या है। तो कुछ इस तरीके से आप इस लाइन में, इस रीगर डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल भी सेफ और सक्सेस हो सकते हैं। और ये नहीं कि ये वीडियो बनाने के बाद काफ़ी लोग डरते भी है कि इतना हाई होता है, इतना हाई रिस्क होता है। आप देखे होंगे एक ड्राइविंग करते करते उसकी भी वो भी इंसिडेंट हादसे में जाता है, लेकिन वो बंदा तो भी दूसरा बंदा जो होता है वो गाड़ी चलाना नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका रोज़ी रोटी है। सेम इस तरीके से जब आप कोई अच्छे सेफ्टी से काम करोगे, एकदम परफेक्ट काम करोगे, तो कभी भी आपको कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मेरे हिसाब से 99% वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आप अगर अपना एक अच्छा स्मार्ट माइंड यूज़ करेंगे और अपना एक स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको शायद कभी भी इस तरीके से आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल सेफ रहे, क्योंकि हमें काम करना होता है तो वहाँ पर भी हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर।